यहां के लोगों के आर्थिक समृद्धि, यहां के बच्चों में बेहतर शिक्षा और राज्य में एक स्वास्थ्य वातावरण, स्वास्थ्य हेल्दी स्टेट बने रहने का जो जिम्मेवारी हमारी है, आपकी है, ये हमारा मुख्य काम है। बिरसा हरित ग्राम योजना से हम लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का प्रयास है। फूलो झानो योजना से इस राज्य में हड़िया दारू का जो प्रचलन है उसको समाप्त करने का एक माध्यम हम लोगों ने उसका सोच रखा है। ताकि महिलाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक इस काम में जो संलिप्त है वो उससे बाहर आकर के, और खासकर ट्राइबल महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जो इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व है, वो दूसरे कामों में आ जाए। दीदी बाड़ी योजनाएं हम लोगों ने इस सोच को लेकर प्रारंभ कर रखा। नई पीढ़ी को एंगेज करने के लिए हम लोगों ने पोटो हो खेल मैदान बनाने का और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। इसी तरीके से हम जो सरकार की जो विजन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एस्टेब्लिश करना, खड़ा करना, उसमें जरूर हमें यहां के लोगों के आर्थिक समृद्धि, यहां के बच्चों में बेहतर शिक्षा और राज्य में एक स्वास्थ्य वातावरण, स्वास्थ्य हेल्दी स्टेट बने रहने का जो जिम्मेवारी हमारी है, आपकी है, ये हमारा मुख्य काम है। बिरसा हरित ग्राम योजना से हम लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का प्रयास है। फूलो झानो योजना से इस राज्य में हड़िया दारू का जो प्रचलन है उसको समाप्त करने का एक माध्यम हम लोगों ने उसका सोच रखा है। ताकि महिलाएं